हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एक्सेल शीट के बारे में। अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ करते होंगे और एक्सेल जब भी खोलते होंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता होगा। अगर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है तो आपको इस एक्सेल शीट को कैसे फ्री में यूज़ करना है ये आपको बताने वाला हूँ, और एक्सेल शीट के फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले दोस्तों अपना गूगल खोल लेना है आपको। गूगल में खोलने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है office.com। इसके बाद पहले नंबर दिखेगा आपका ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट होम, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा आपको, साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा। इसके बाद आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इस तरह का आपका पेज खुलेगा, फिर यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। इसके बाद जो कोड आएगा उसको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके जैसे कि मैं अपना जीमेल खोल रहा हूँ, वहाँ पर ओटीपी आएगा, उसको मैं यहाँ पर डालूँगा। तो यहाँ पर अपना कोड डाल दीजिएगा, अगर ईमेल आईडी पर आया होगा तो उसको। ठीक है, मैं फिल कर लिया अपना कोड, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर इसके बाद इस तरह का पेज आएगा, इस पर नेक्स्ट सबमिट पर दबाइएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, एक ओटीपी डालने को सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह पेज आएगा, इसको यस क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो बन जाएगा। चलिए दोस्तों अब एक्सेल शीट बनाने के बारे में सीखते हैं, एक्सेल शीट को कैसे बनाना है और फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सेल दिख रहा होगा, एक्सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर न्यू ब्लैंक वर्क बुक लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, एक्सेल शीट आ गया है। देखिए एक्सेल शीट खुल गया है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ आपको लिखना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर, मान लो सीरियल नंबर लिखना है तो क्या करेंगे आप, एक दो, जैसे यहाँ पर एक दो नंबर लिखना है। तो जैसे जैसे ये दो, ठीक है, अगर एक पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक एक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहां पर क्या करना है, एक है। ठीक है, इसके बाद यहां पर दो लिखना है। ठीक, दो लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहां से आपको खींचना है। ठीक है, नीचे जहां तक आपका मतलब सीरियल नंबर चाहिए वहां तक आप खींच लीजिएगा। देखिए सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद आप सीरियल नंबर को फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, बराबर, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस से आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप जितना भी सीरियल नंबर लिखना चाहेंगे, अगर मान लिया आप 10 लिखेंगे तो 10 तक ही आपका ये सीरियल नंबर आएगा। ठीक है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपका 10 तक सीरियल नंबर आ गया है। ठीक है, ये है आपका सीरियल नंबर का यूज। अगर मान लो यहाँ पर आपको क्या शीट यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर शीट दिया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर ये क्लिक करिए, शीट ये बन गया। ठीक, अगर मान लो आपको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, बराबर करके आप जो भी नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे इसको, फिर इसके बाद प्लस को दबा लीजिएगा, फिर इसके बाद कोई भी नंबर को आप पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद इंटर दबा लीजिएगा, इसके बाद ये जोड़ करके बता देगा। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।